मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि लॉकडाउन होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब कैबिनेट मंत्री व आमदार जितेंद्र आव्हाड ने लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए मुंब्रा शहर में 11 सेंटर बनाए हैं, जहां से लोगों तक खाना अलग अलग शहर के गलियों मोहल्लों में पहुंचाया जा रहा है। मंत्री जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और ऐसे में जनता काफ़ी परेशान है, मगर अब मंत्री जितेंद्र आव्हाड की तरफ से खाना पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। यहां तक कि खाना कैसा बना है, मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने खुद खाना खाकर टेस्ट किया और कहा लोगों तक बेहतर खाना पहुंचना बेहद ही ज़रूरी है। अभी 11 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 25,000 लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और साहब, जो ये सेंटर अभी 11 जगह बनाए गए हैं और लोगों तक फिलहाल यहाँ से खाना पहुंचाया जा रहा है, तो पूरे शहर में और आपकी तरफ से कितने लोगों तक ये खाना पहुंचाने का बंदोबस्त? मेरे ख्याल से 25,000 लोगों का खाना सुबह का और 25,000 लोगों का खाना शाम का ऐसे बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और तैयार यानी हो रहा है। अभी आपके सामने ही यहाँ से 5-6 हज़ार लोगों का खाना बटेगा, पूरी सिस्टम सेट हो चुकी है, लोगों को घर घर में जाके खाना दिया जाए। और हालांकि हमारी उम्मीद यह है कि इस इलाके में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। शमीम खान साहब ने बताया था कि हमारे तरफ से हर मोहल्ले इलाके में जो है सेंटर खोले जाएंगे, करीब 5 लाख लोगों तक ये खाना पहुँचाने का काम किया जाएगा। वो ऐसा है, हमारी कोशिश ये है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो। जैसे हमारे मंदिर के पुजारी हैं, ये हमारे मंदिर के पुजारी है, ये 150 पैकेट लेके जाएंगे, शिलपाटा से आए। हम कोई इलाका ये हम कोई बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान जमात इस्लामी के लोग हैं, उलमा हिंद के लोग हैं। भूखा है वो हमारा है, इंसानियत का नाता मजबूत करने निकले हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, उसमें ना कोई स्वार्थ है। ऐसा कहा जाता है कि किसी के खाली पेट में एक निवाला डाल दो तो उससे बड़ा स्वभाव का काम जिंदगी में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अभी 11 सेंटर बने हैं और भी खुलेंगे एरिया? अरे छोड़ो, जितना हो रहा है उसको ध्यान दो, और आगे क्या होगा ये ऊपर वाले को मालूम। आज के दिन में 25,000 लोगों का खाना जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, और कुछ मुंब्रा शहर के लिए कहें? घर में बैठो, बाकी कुछ मत करो। आपको खाना दे रहा हूँ, आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, आपको डॉक्टर्स दे रहा हूँ, घर में बैठो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।